गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का हम वीडियो स्टार्ट करें। हमारा न्यू चैप्टर है, देखो चैप्टर नंबर 5, फूड एंड हेल्थ। तो ये चैप्टर हमारा सीखने वाले हम फूड एंड हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। इस चैप्टर में हम पॉइंट्स सीखने वाले हैं, फूड ग्रुप्स, बैलेंस डाइट, हेल्दी कुकिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज एंड देन नेक्स्ट डिसीजेस। तो सबसे पहले थोड़ा सा फूड के बारे में हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, फूड क्या होता है, ठीक है। उसके पहले चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पिक्चर्स को देखिए। ये है फ्रूट्स, दीज आर वेजिटेबल्स, दीज आर ग्रेन्स, दीज आर पल्सेस, ओके। तो ऑल ऑफ अस नीड फूड इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड अलिव। A food gives us energy to work and it keeps us fit and healthy. आप सबको पता है हम जो living things होते हैं उनको उनका life live करने के लिए या फिर उनको healthy रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उनको किसकी need होती है, तो food की need होती है, बराबर। Food की वजह से वो क्या करते हैं, अच्छे से healthy रहते हैं, जिनकी वजह से उनको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी की वजह से वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं, ओके। अगर अच्छे से वर्क करेंगे, उनको एनर्जी प्रॉपर मिलेगा, तो वो क्या रहेंगे, फिट रहेंगे एंड साथ में हेल्दी भी रहेंगे। तो देखो कौन कौन से तरीके के फूड्स होते हैं और हमें कहाँ कहाँ से फूड मिलते हैं। तो देखो वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन एंड पल्सेस। अभी हमने देखे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं, बराबर। इन सभी के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। जैसे कि देखो ना, बनाने का ट्री होता है, ऑरेंज का ट्री होता है, एप्पल का भी ट्री होता है, ग्रेप्स का क्लाइंबर होता है, ठीक है। उसके बाद कीवी का भी प्लांट होता है, तो ये सभी के प्लांट्स होते हैं, तो फ्रूट्स हमें प्लांट्स से मिल रहे हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं, बराबर। कौन कौन से वेजिटेबल्स दिख रहे हैं देखो आपको, ये टोमेटो है, ऑनियन है, उसके बाद लेडी फिंगर है, उसके बाद कैबेज है, शिमला मिर्च है, ओके, कैप्सिकम है, वेरी गुड। यहाँ पे भी कैप्सिकम है ऑरेंज कलर का, यहाँ पे येलो कलर का था, ओके। बीट है यहाँ पे, उसके बाद ककुम्बर है, उसके बाद कैरेट्स है, ब्रिंजल है, ओके, टोमेटो भी है। तो ये सब जो वेजिटेबल्स हैं हमें किससे मिल रहे हैं, वो प्लांट्स से मिल रहे हैं, ठीक है। देन ग्रेन्स देखो, ग्रेन्स भी हमें किससे मिल रहे हैं, ये भी प्लांट्स से ही मिलते। कौन कौन से ग्रेन्स में सीरियल्स भी है देखो, ये देखो राइस है, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है। तो ये सब, उसके बाद कॉर्न भी है, तो ये सब ग्रेन्स भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं। एंड देन पल्सेस में भी बहुत सारे पल्सेस है, ठीक है। तो ये पल्सेस भी हमें प्लांट्स से ही मिल रहे हैं। और भी फूड होता है क्या जो हमें प्लांट्स के अलावा और भी कहीं से मिलता है, यस होता है। नीचे देखो ये भी फूड ही है, जैसे कि मीट, एग्स, हनी, मिल्क, और मिल्क से बहुत सारे बने चीज़ें होती है, जैसे कि चीज़, बटर, घी। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कहाँ से हमें ये मिलता है, तो ये चीज़ें हमें मिलती है एनिमल्स द्वारा, ठीक है। तो हमें एनिमल्स से भी बहुत सारा खाना मिलता है, फूड मिलता है, और प्लांट्स से भी क्या मिलता है, बहुत सारा फूड मिलता है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से हमने क्या किया है, फूड को 5 ग्रुप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, मीन्स फूड ग्रुप बनाए। जैसे कि देखेंगे, देखो द फूड दैट वी ईट शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। इनमें क्या होते हैं, 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी वजह से हमने फूड को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 न्यूट्रिएंट्स है जिसकी वजह से फूड को हमने डिवाइड किया है। आवर फूड रिक्वायर्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्दी।
तो हमें अगर खाना खाना है अगर हमें खाना खाना है तो हमें ये फूड खाना है जिसमें ये पूरे न्यूट्रिएंट्स हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये हमारा फूड ग्रुप्स देखे थे।